नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में आधा पौन पाव और सवा का उच्चारण किस तरह से, इसके पूर्व बनाए गए वीडियो में मेरा उच्चारण गलत था, जिसमें मैंने बटे की जगह बट्टे द्वारा उच्चारण किया था। तो आज इस वीडियो में मैं उच्चारण जो है सही करके आपको वाचन करके सुना रहा हूँ कि हम दशमलव भिन्न और भिन्न का वाचन किस तरह से हम करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उच्चारण को मैं सुधार रहा हूँ, देखिए किस तरह से इसका हम वाचन करेंगे। जैसे आधा है, आधा अर्थात एक बटे दो, बटे ना हो करके इसका उच्चारण बटे के रूप में होगा और इसका वाचन इस तरह से करेंगे हम, एक बटे दो। आधा अर्थात एक बटे दो और दशमलव भिन्न में इसको 0.5 के रूप में लिखेंगे। पाव देखिए, पाव अर्थात एक बटे चार, एक बटे चार और इसका दशमलव भिन्न के रूप में लेखन हम 0.25 के रूप में करेंगे। पौन देखिए, पौन का उच्चारण देखिए कैसे करेंगे और लेखन, तीन बटे चार, तीन बटे चार और इसका दशमलव भिन्न में लेखन हम 0.75 के रूप में करेंगे। अब देखिए सवा का वाचन कैसे करेंगे और भिन्न के रूप में कैसे लेखन करेंगे। सवा अर्थात एक सही एक बटे चार, एक बटे चार और इसका दशमलव भिन्न में 1.25। डेढ़ देखिए, डेढ़ का वाचन हम भिन्न के रूप में किस तरह से करेंगे, एक सही एक बटे दो, एक सही एक बटे दो। इसके पूर्व बनाए गए वीडियो में मैंने इसका उच्चारण बट्टे के रूप में किया था जो कि गलत था, तो इसका सही उच्चारण हम एक सही एक बटे दो और दशमलव भिन्न में इसका लेखन 1.50 या 1.5 के रूप में करेंगे। पौने दो, पौने दो अर्थात एक सही तीन बटे चार, एक सही तीन बटे चार, दशमलव भिन्न में 1.75। 17.5 का वाचन देखिए हम किस तरह से करेंगे, 17 सही 1 बटे 2 अर्थात 17.50 या 17.5। तो इस तरह से हम इसका भिन्न के रूप में वाचन करेंगे। इसके बाद देखिए प्रसंग्रह 40 का भी मैंने वाचन करते समय जो आपको गलत मैंने पढ़ दिया था, उसका उच्चारण बट्टे के रूप में ना होकर के बटे होगा। तो देखिए ढाई, हम ढाई को किस तरह से हम लिखेंगे, ढाई दो सही एक बटे दो, दो सही एक बटे दो अर्थात 2.50 या 2.5। अब देखिए सवा, सवा दो का लेखन हम भिन्न में कैसे करेंगे, दो सही एक बटे चार, दो सही एक बटे चार बराबर दशमलव में 2.25। पौने तीन का वाचन हम कैसे करेंगे, देखिए दो सही तीन बटे चार, दो सही तीन बटे चार, दो सही तीन बटे चार अर्थात 2.75। 10.5 का वाचन देखिए हम किस तरह से करेंगे और लेखन किस तरह से करेंगे, दस सही एक बटे दो, दस सही एक बटे दो अर्थात 10.5 या 10.50। 14.5 का वाचन देखिए सही उच्चारण, 14 सही 3 बटे 4, 14 सही 3 बटे 4 अर्थात 14.75। 16.5 बराबर
16 सही 1/4, 16 सही 1/4 दशमलव भिन्न में लेखन, 16.25 28.5 का लेखन देखिए भिन्न के रूप में, 28 सही 1/2, 28 सही 1/2 बराबर 28.5 या 28.50। तो इस तरह से बच्चों इसका भिन्न में हम सही उच्चारण करेंगे। इसके पूर्व बनाए गए वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया उच्चारण जो गलत था, इसकी सूचना मेरे शुभ चिंतक मुझे मेरे शुभ चिंतकों ने फ़ोन करके बताया और मैंने अपनी गलती को सुधार करते हुए कल के बनाए गए वीडियो को वापस मैं सही उच्चारण के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अतः प्यारे बच्चों, आप भिन्न के उच्चारण में गलती ना करें और इस वीडियो में सही उच्चारण को देखें और आप मेरे इस वीडियो द्वारा भिन्न के उच्चारण आधा पाव पौन सवा और दशमलव भिन्न में लेखन और वाचन को सही करें और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।